जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरीज से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा।